नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने YouTube चैनल देश किसान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान साथियों, विगत 2 से 3 दिनों में जो बारिश हुई है, बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि हुई है, जो कि आप विजुअल में भी देख रहे हो, यह ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश जो मध्य प्रदेश के सभी जिलों में लगभग हुई है और सभी जगह पर किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है, जिसमें कि गेहूं, चना, अलसी, मटर और जो अफीम की फसल है उसे भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिला है। उस नुकसान की तस्वीरें भी हम आगे बताएंगे। तो इस नुकसान का सरकार को मुआवजा देना चाहिए, सरकार को इसका सर्वे तत्काल करवाना चाहिए और जो मुआवजा राशि या राहत राशि है वह देनी चाहिए। तो सरकार से हमारी यही अपील है कि आप जल्दी से जल्दी किसानों की जो फसल खराब हुई है उसका सर्वे कराएं और सर्वे कराकर तत्काल 2-3 दिन में ही जो है राहत राशि का वितरण करें, जिससे कि किसान इस समस्या की घड़ी में जूझ रहा है उससे आप उसको निजात मिले। हमारा भी जो है मकसद यही है कि किसानों का जो सर्वे हो उसमें पारदर्शिता हो, उसमें सत्यता हो और जितना नुकसान हुआ है वो सही और सटीक किसानों के सामने उसका आकलन हो और सरकार तक सही जानकारी जाए। इसके बारे में जो है हमारे क्षेत्र के जो विधायक हैं या जो जनप्रतिनिधि हैं या जो नेतागण हैं उनको भी इसके बारे में जागरूक होना होगा और अपनी अपनी सरकार या अपने जो आगे हैं उनको जगाना होगा और उनको सर्वे करवाने के लिए आदेश जल्दी से जल्दी लाना होगा। 9 मार्च की रात को भी काफ़ी ज़्यादा क्षेत्रों में बारिश हुई और तेज़ हवाएँ भी चली और ओलावृष्टि और जो पत्थर जैसे बड़े बड़े जो हैं ओले गिरे, जिसकी वजह से जो किसान हैं उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। जो बारिश गिरी है उसके बारे में किसान के विचार हैं कि उजड़ी हुई फसलें, टूटे हुए सपने और रोता है किसान, ए बारिश तेरा यूं आना कोई खुशी की बात नहीं। ये किसानों के अरमान हैं या जो दिल से ये बातें निकल रही हैं। किसान बहुत ही जो हैं सहनशील व्यक्ति हैं, उसके बाद भी इतना नुकसान हुआ है कि किसान को रोना, अंतर की आत्मा रोना तो आता ही है। तो ये नुकसान आप देख रहे हो, गेहूं की फसल बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है, उसमें जो है दाने अभी भराने का समय था, उसमें उत्पादन जो है बढ़ने का समय था, उस समय वो पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी है, पूरी तरह से आप देख सकते हो नीचे गिर चुकी है। अब उसका खड़ा हो पाना नामुमकिन है, उसमें जो दाने भरा रहे थे वह वहीं के वहीं रुक गए हैं और जो गार या जो अपने ओले गिरे हैं उसकी वजह से वो नीचे दब गई हैं। यहाँ तक कि जो किसान का पका पकाया माल मंडी में ले गए थे वह भी बारिश के कारण जो है गीला हुआ और बारिश में जो पानी गिरा उसकी वजह से जो है ढेर के ढेर गीले हो गए। कुछ किसानों का माल प्लेटफार्म पर था वह सुरक्षित बचा हुआ था, पर जिन किसानों की उपज खुले में पड़ी हुई थी, जिन किसानों का जो ढेर लगाकर खुले में पड़ा हुआ माल था वह पूरी तरह से जो है गीला हो गया और जो बहकर भी कुछ ढेर चले गए। आप विजुअल में पूरी तरह से देख सकते हो कुछ ढेर बहते हुए जा रहे हैं और जो है माल पूरी तरह से जो है बहता हुआ पानी में मिल गया। कुछ ढकने का साधन था, उसके बाद भी जो खुले में माल था उसको तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है और ढेर के ढेर गीले हो चुके हैं। तो जो प्रशासन है, जो मंडी प्रशासन है, उसको भी वहाँ पर सुधार करने की आवश्यकता है। जहाँ पर माल खुले में जहाँ पर लीलाम की व्यवस्था है उसे परिवर्तित करके बारिश का मौसम या बारिश का अनुमान हो तो वहाँ पर अलाउंस होना चाहिए मंडियों में कि बारिश की संभावना है, खुले में जो है लीलाम का कार्यक्रम उस समय स्थगित रखना चाहिए या फिर जो प्लेटफार्म है वह बढ़ाने चाहिए, क्योंकि मंडी में टैक्स भी लिया जाता है, मंडी में जो है सभी तरह की सुविधाएँ मिलनी चाहिए और प्लेटफार्म की संख्या बढ़ानी चाहिए। जो किसान भाई जो अफीम वाले थे या अमल की जो खेती करते हैं, जिनको पट्टे मिल रखे हैं, उन्होंने खेती अमल की लगाई थी उसमें भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है और डोड़े टूट टूट कर जो ओलावृष्टि हुई उसमें नीचे गिर गए हैं। उनका भी काफ़ी ज़्यादा खर्चा हुआ था, काफ़ी ज़्यादा मेहनत थी, काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी, वह भी जो है बहकर नीचे गिर चुकी हैं, क्योंकि अभी अफीम की जो हार्वेस्टिंग का समय था, वहाँ पर दूध निकालने का जो समय था, उस समय पानी गिरा है और पकी पकाई फसल उसकी तहस नहस हो चुके हैं और किसान अभी काफ़ी दुख में है, उसे सहारे की ज़रूरत है, कुछ मदद की ज़रूरत है जो कि उसे मिलनी चाहिए, उसका अधिकार है। क्योंकि किसान पूरी तरह से फसल के ऊपर ही आश्रित रहते हैं, किसान पूरी अपनी जो मेहनत है, खून पसीना और पुरानी जो मेहनत है, वह सारी संपत्ति और पूंजी फसल को पैदा करने में लगा देता है बिना परवाह
निर्वाह की है, क्योंकि पूरे देश का, पूरे विश्व का उसको पेट भरना है, उसके ऊपर जिम्मेदारी है। उसी कर्तव्य को निर्वाहन करते हुए जो किसान है वह अपनी सभी पूंजी फसल में लगाता है और फसल ऐसे बर्बाद हो जाती है तो उसके हाथ में कुछ नहीं बचता है, तो वह निराश नहीं हो, किसान को सहारा मिल जाए, ऐसे समय में सरकार को आगे आना चाहिए और उसका जो है हौसला बढ़ाना चाहिए और तत्काल में जो है सर्वे करवा कर जितना नुकसान हुआ है वह सही आकलन करके नुकसान की भरपाई करनी चाहिए। एक या दो जिले नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में लगातार 2-3 दिन से बारिश और ओलावृष्टि हो रही है, जिसका नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। उसकी कल्पना किसानों ने नहीं की थी और फसल हार्वेस्टिंग के समय सबसे ज़्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है। इतना नुकसान मेरे जीवन में मैंने पहले कभी नहीं देखा और इतना नुकसान किसानों का हो चुका है, तो इसका जो है सर्वे कराकर तत्काल जो है राहत राशि डलनी चाहिए, सरकार से निवेदन है। आप किसानों की या व्यापारी भाइयों की इसके बारे में क्या विचार हैं, यह वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो में जानकारी आपको कैसी लगी वह कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो वीडियो के अंत में जय हिंद कमेंट जरूर करें, जिससे हमें पता चल सके कि आपने हमारे वीडियो को पूरा अंत तक देखा है। और आपके कोई सवाल या सुझाव हो इसके बारे में तो आप वह भी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, जिससे आपके सवालों के जवाब भी देंगे हम और आपके कोई सुझाव होंगे तो वह भी ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुंचाने का प्रयास हम करेंगे। तो आप खेती से संबंधित, मंडी भाव से संबंधित सारे वीडियो चैनल पर जाकर भी देखें, जिसमें लहसुन प्याज की खेती, गेहूं, अलसी, चना, मटर, इन सभी खेती की जानकारी भी डाल रखी है और इनके हार्वेस्टिंग और भंडारण तक की पूरी जानकारियाँ डाल रखी हैं और मंडी भाव से संबंधित फसल बीमा और मुआवजा राशि से संबंधित अपडेट भी सारे डाल रखे हैं, वह जाकर देखें। और आपको चैनल सब्सक्राइब आपकी आवश्यकता अनुसार लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी ज़रूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी वीडियो डालेंगे आगे आगामी दिनों में राहत राशि से संबंधित या कुछ अपडेट होंगे या सर्वे से संबंधित तो वह भी हम आप तक जरूर पहुंचा सकेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन जरूर दबा दें। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।